हेलो गाइस, माय नेम इज इरशान खान और ये है वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डैड मी ब्लॉग्स। एब्सोल्युटली राइट। सो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं बॉम्बे में था और मैंने अली के लिए बहुत सारे टॉयज लिए अनबॉक्सिंग के लिए। हाँ, बहुत सारे टॉयज लिए थे और हम उसकी मतलब अनबॉक्सिंग करने वाले, तो आज हम सेकंड टॉय की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमारे 98 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, हम सिर्फ 2 सब्सक्राइबर्स पीछे 100 सब्सक्राइबर्स से, तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो और 100 सब्सक्राइबर्स जल्दी पूरे करो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं बेंटन वॉच की। सो गाइस, बताओ सबको ये है बेंटन वॉच जो मैंने अली के लिए लेके आया हूँ। अब तुम लोग बोल रहे होंगे, तुम लोग सोच रहे होंगे कि वॉच में ऐसी क्या खासियत है, तो ये वॉच में प्रोजेक्टर दिया गया है। ओके, सो अली का बोलना है कि मैं उसके हाथ में पीना के आप लोगों को बताओ, तो मेरा काम यहाँ पर होता है खत्म। अली आप लोगों के लिए इसकी अनबॉक्सिंग करेगा और आप लोगों को पेन के बताएगा, और पेन के बताने के बाद इसमें जो अलग अलग बेंटन के जो बोलते हैं ना क्रीड्स दिए हुए, हम लाइट बंद करके आप लोगों को वॉल पे वो भी बताएंगे। हाँ, तो गाइस फाइनली अली ने कर चुका है उसके वॉच की अनबॉक्सिंग और मैं उसके कुछ फीचर्स बताना चाहूँगा। उसके अंदर है ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर 24 क्रिट्स, मतलब 24 पैटर्न है उसके अंदर बेंटन के जो भी कैरेक्टर्स थे उनके, और यहाँ पर पीछे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है वॉच से रिलेटेड। प्रोजेक्शन स्विच है, अच्छा ये वाला प्रोजेक्शन स्विच है, ये वाला फोकस है, और सेम एज यूजुअल आगे आप लोगों को टाइम बताएगा, और कैन कास्ट 24 शैडोज कुछ ऐसा है। मैं कहता। अच्छा, अली करके बताएगा। तुम लोग देख सकते हो उसमें से कुछ लाइट निकल रही है, तो मैं तुम लोगों को लाइट बंद करके एक्चुअली एक प्रॉपर डेमो दे दूंगा उसका, कि वो एक्चुअल में उसके ग्रिड्स है कैसे, उनकी क्वालिटी कैसी है, विजिबिलिटी क्लियर है क्या नहीं ग्रिड्स की, वो मैं आप लोगों को अली के हाथ में पिना कर बताऊंगा लाइट बंद करके बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं, चलो अली को पिनाते हैं उसके हाथ में ये वॉच। तो इसका जो प्रोजेक्शन का जो फोकस है वो फ्रंट पे आएगा और ये जो स्विच है वो बैक पे जाएगा। आराम से पिनाओ। आराम से पिनाएंगे ना बेटा, घाई नहीं करेगा, आराम से पिनाएंगे। कमेंट करके बताओ अली के हाथ में ये वॉच अच्छी लग रही है कि नहीं। देखो ये कुछ ऐसी है, प्राइस में आप लोगों को वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। हम अभी लाइट बंद करेंगे, लाइट बंद करेंगे और उसके प्रोजेक्शन ग्रिड्स बताएंगे। क्या बताएंगे? लाइट बताएंगे,
हाँ तो अली जैसा बोल रहा है वैसा हम अभी मैं जाता हूँ लाइट ऑफ करने के लिए। चलो बैठो तुम यहाँ पे। चालू करो। One, two, three. बस हमने बंद कर चुके हैं लाइट्स। अब अली आपको बताएगा उसके बेन 10 के प्रोजेक्शन के पिक्चर्स। फिंगर आ रहा है बेटा तुम्हारा, फिंगर आ रहा है। बताओ इधर, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, एक मिनट बताओ इधर। हाँ इधर 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 हैंड रखो, इधर हैंड रखो। तुम बताओ गाइस, डॉग को गाइस देख लो, अच्छा क्रिएटर है। देखो पिक्चर पिक्चर है ये, देखो। तो गाइस देखो अली का हैंड के ऊपर भी देख सकते हो तुम, और ये रहा अली जिसके फेस के ऊपर अभी बेन 10 है। अली के टी शर्ट पर बेन 10 है। अंधेरे में तब लोगों को वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन देखो क्लैरिटी आप चेक कर सकते हो। देखो उंगली। सो गाइस ये थी अली की बेन 10 वॉच जिसके 24 क्रिट्स थे और हम लोगों ने लाइट बंद करके बताए तो हम लोगों ने हाँ दोनों वॉल पे आप लोगों को बताया कि क्रिट्स की प्रोजेक्शन की क्वालिटी कितनी अच्छी है। गाइस हकीकत में पैसा वसूल प्रोडक्ट है, मैं खुद सेटिस्फाइड हूँ ये प्रोडक्ट लेके। एज अ पेरेंट अगर मैं बात करूँगा, ज़्यादा नहीं गाइस, 100 रुपये की वॉच है, इट्स ओनली 100 रुपीज़। और ये भी हमने वही से लिए जहाँ से आप लोगों को मैंने ट्रेन की वीडियो में बताया था हम अली के टॉयस कहाँ से लेते हैं, तो ये भी मैंने वही से लिया था, ओनली 100 रुपीज़। सो गाइस एज अ पेरेंट अगर मैं रिव्यू दूँ तो बहुत सेटिस्फाइड प्रोडक्ट है, आपका बच्चा भी खुश, आप भी खुश, और 100 रुपये में क्या चाहिए। सो गाइस ये थी अली की बेन 10 वॉच जिसका प्रोजेक्शन आप लोगों को मैंने बता दिया वॉल पर लाइट बन करके कि क्वालिटी क्लैरिटी कितनी अच्छी है प्रोजेक्शन की जिसके अंदर 24 क्रेड्स है, और बेन 10 के सारे कैरेक्टर्स अवेलेबल है, बेन 10 की फ्रेंड भी अवेलेबल है, बेन 10 भी अवेलेबल है, और उनके कैरेक्टर्स भी जो थे कार्टून में वो सब अवेलेबल है, और क्लैरिटी बहुत अच्छी थी वॉल पे। आप चाहो तो आप उसे वॉच को जितना दूर लेकर जाओगे प्रोजेक्शन उतना बड़ा होगा, जितना नज़दीक लेकर जाओगे प्रोजेक्शन उतना छोटा होगा, लेकिन बोलते हैं ना ज़्यादा दूर भी नहीं ज़्यादा नज़दीक भी नहीं, एक अगर सेटिस्फाइड लेवल पे आप अगर खड़े हो तो वॉल पे आपको क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेंगी। तो गाइस ये थी अली के बेन 10 वॉच की अनबॉक्सिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो हाँ सब्सक्राइब करके बताना, अली जैसा बोल रहा है सब, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करना। हमारे ऑलरेडी 98 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, हमारे ऑलरेडी 98 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग दिस लव, और सबक्राइब करने के लिए थैंक यू वेरी मच। बोलो सबको थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए, थैंक यू सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सब्सक्राइबर्स, सो थैंक यू सब्सक्राइबर्स। और साथ में गाइस वीडियो को लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना और लाइक भी करना, कमेंट भी करना, कमेंट भी करना और शेयर भी करना, और दुआ में याद भी रखना। बाय बाय।